Welcome back, amazing viewers. Hey everyone, I am Sanjoy and welcome to my YouTube channel. Here I am unboxing two unique gadgets. Just curious, you are in the right place. Don't forget to hit the subscribe button so you won't miss my any YouTube videos. Keep in touch. Let's drive in. सबसे पहले वायरलेस K8 माइक्रोफोन का अनबॉक्स करते हैं, क्वालिटी एंड प्रोडक्ट चेक करेंगे। दोनों प्रोडक्ट्स का प्राइस रेंज लास्ट में शेयर करने वाला हूं, जो कि काफ़ी चीप है, तो वीडियो को अंत तक देखिएगा। K8 वायरलेस माइक्रोफोन का हाईलाइट फीचर्स जो कि ये मुझे दो दिखा, 20 मीटर वायरलेस रेंज प्लस गुड नॉइस रिडक्शन इन दिस प्राइस। तो चलिए बिना देर के अनबॉक्सिंग शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग यहाँ पे इस बॉक्स का डिटेलिंग के बारे में देख लेते हैं अनबॉक्स करने से पहले। तो यहाँ पे आपको K8 वायरलेस माइक्रोफोन का ब्रांड देखने को मिल जाता है। पैकेजिंग काफ़ी बढ़िया किया हुआ है, अनएक्सपेक्टेड रहता है क्योंकि ये चाइना प्रोडक्ट है। यहाँ पे कुछ बैक साइड में हाईलाइट फीचर्स दिए हुए हैं जो कि इस माइक्रोफोन में दिया हुआ है, जैसे कि 20 मीटर तक का रेंज का आप इसे यूज़ कर सकते हैं। साथ ही साथ में इसे आप लाइव कॉन्सर्ट हो, इंटरव्यू हो या तो व्लॉग वीडियो वगैरह आप अगर यूट्यूब में बनाते हो तो वहाँ भी आप इसे यूज़ कर सकते हैं। काफ़ी बेहतरीन नॉइज रिडक्शन है यार इसका, तो ये देख सकते हैं कितना बढ़िया से पैकेजिंग किया हुआ, प्रीमियम क्वालिटी का एकदम चीप प्राइस रेंज में ये हमें मिल जाता है। प्रोडक्ट अनबॉक्स तो हो ही गया, चलिए देखते हैं क्या क्या इसमें दिया हुआ है। सबसे पहले हमें यहाँ पे OTG रिसीवर है, ये आपके फ़ोन में लगेगा, ये रिसीवर देखने को मिल जाता है। इसका पिन यहाँ पे सी टाइप दिया हुआ है, इसे हम लोग साइड में रख देते हैं बिल्कुल ही बेहतरीन तरीके से। और हम लोग नेक्स्ट देखते हैं माइक, ये वायरलेस माइक बहुत ही बेहतरीन, इसका नॉइस रिडक्शन मैंने चेक किया तो यहाँ पे आपको देखने को मिल जाता है। बहुत ही बेहतरीन क्वालिटी का माइक, इसी में चार्जिंग पिन पॉइंट और एक बटन दिया हुआ है, साथ ही में प्लग करने का सेट में यहाँ पे दिया हुआ है। नॉइस रिडक्शन स्पंज बहुत ही बेहतरीन काम करता है इसका। यहाँ पे एक है हमारे पास आईफोन के लिए ये कनेक्टर, ठीक है, ये हमारा माइक और ऑडियो के लिए है, यूज़ कर सकते हैं आईफोन में भी इसे। ये माइक यार बहुत ही बेहतरीन लुक है इसका, देख सकते हैं। ये OTG केबल सी टाइप है, तो याद रखें सी टाइप फ़ोन में यूज होगा, अदरवाइज आपको एक कनेक्ट करने का चाहिए होगा। यहाँ पे और हमारे पास लिखा पोथी कागज बिना यूज़ वाला मैनुअल मिल जाता है, जो कभी हम लोग पढ़ते नहीं हैं इंडियंस। और यहाँ पे इसमें क्या होना चाहिए, केबल बिल्कुल ही चार्ज करने के लिए, यहाँ पे एक छोटा सा मिनी डाटा केबल दिया हुआ है जिससे आप चार्ज कर सकते हैं अपना माइक को। ये भी सी टाइप है, सी टाइप यार काफ़ी बेहतरीन है। टोटल बॉक्स के अंदर आपको इतना सारा सामान देखने को मिल जाता है, तो इसे हम लोग डाल देते हैं अंदर। तो अभी तक फ़ोन से रिकॉर्ड कर रहा था, बट अभी आप जो आवाज़ सुन रहे हैं ये इसी माइक का है। इस माइक में हमें एक ऑन ऑफ का पावर बटन देखने को मिल जाता है, जिससे कुछ सेकंड प्रेस करने पे यहाँ पे ये टर्न ऑन हो जाता है। ब्लिंक एक देखने को मिल रहा है यहाँ पे ग्रीन का, ये हमारा ब्लिंक कर रहा है यानी कि ऑन हो चुका है। ये अगर रेड और ग्रीन अगर ब्लिंक करेगा तो इसका मतलब आपका फ़ोन से ये कनेक्ट हो चुका है। काफ़ी माइक ही प्रीमियम क्वालिटी का देखने को मिलता है। यहाँ पे आप कॉलर पे ये प्लग करने का देख सकते हैं, ये दिया हुआ है। कॉलर पर अटैच करने का भी मिल जाता है, जिसे आप रिमूव भी कर सकते हैं या इसे लगाकर रख भी सकते हैं। काफ़ी प्रीमियम क्वालिटी का यहाँ पे मिल जाता है माइक, जो कि सी टाइप, यहाँ पे पोर्ट आपको एक देखने को मिल जाता है। नॉइस रिडक्शन के लिए स्पंज भी मिल जाता है, इसे हम लोग रख देते हैं। अब हम लोग चेक कर लेते हैं यहाँ पे एक हमारा जो OTG रिसीवर है, ये भी काफ़ी प्रीमियम क्वालिटी का देखने में लग रहा है, सी टाइप पोर्ट के साथ। यहाँ पे कोई भी इंडिकेटर इसमें नहीं है, तो ये मुझे मिसिंग लगा कि एक इंडिकेटर कम से कम लाइट होना चाहिए देखने के लिए। यहाँ पे इस रिसीवर में रिफ्लेक्टर टाइप का एक मैग्नेटिक बटन टाइप का दिख रहा है, जो कि मेरे ख्याल से इसका काम इजीली रिसीव करने के लिए दिया होगा, डिस्टेंस बढ़ाने के लिए। और इजी टू प्लग एंड प्ले है, मतलब प्लग करिए और यूज़ करिए
माइक में भी सेम, इसमें भी एक रिफ्लेक्टर लगा हुआ है, तो देख सकते हैं कुछ काफ़ी चमकदार अलग बटन टाइप का, बट ये बटन है नहीं। यहाँ पे इंडिकेटर आपको देख सकते हैं कि रेड और ग्रीन का सिंबल दिख रहा है, यानी कि कनेक्ट हो चुका है। तो हम लोगों ने अब तक जो है माइक का अनबॉक्सिंग कर लिया है, अब बारी आता है सेल्फी स्टिक का। तो ये सेल्फी स्टिक का अनबॉक्स करने का पर्पस ये है कि ये बिल्कुल ही यूनिक सा स्टैंड के साथ साथ इसमें LED लाइट भी मिल जाता है, साथ ही में ब्लूटूथ भी मिल जाता और बहुत ही चीप प्राइस में। तो यहाँ पे कुछ बॉक्स के चारों साइड में देख सकते हैं कुछ फोटोग्राफ्स वगैरह, स्पेसिफिकेशंस यहाँ पे कुछ दिए हुए हैं क्या क्या मिलता है साथ में, और यहाँ पे कुछ इसके फंक्शंस, मल्टीपल फंक्शंस दिए हुए हैं। इसके साथ यहाँ पे वैरायटी ऑफ कलर्स भी मिल जाता है, कोई भी कलर में आप इसे परचेस कर सकते हैं। तो चलिए बॉक्स से आउट करते हैं प्रोडक्ट को। तो यहाँ पे हम लोग ये सेल्फी स्टिक आप देख सकते हैं कितना प्रीमियम लग रहा है, देखने से ही ये कितना प्रीमियम लग रहा है। साथ ही में बॉक्स के अंदर मिलता है मैनुअल, जिसका हमें पता नहीं, चाइना और इंग्लिश में लिखा हुआ, चाइना तो पढ़ने में बनेगा नहीं। सारा डिटेल्स मैं दे दूंगा, आपको पढ़ने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो इसे फेंक देते हैं, और यहाँ पे आप देख सकते हैं इसमें बी टाइप 5-पिन चार्जर दिया हुआ है। यहाँ पर ये थोड़ा सा चिप है, क्योंकि हमें माइक में काफ़ी अच्छा सी टाइप जो है छोटा केबल मिल गया था। इसका साइज़ देख सकते हैं बहुत ही छोटा है और काफ़ी हल्का है, बट प्रोडक्ट जो है काफ़ी मजबूत है, बेहतरीन तरीके से बनाया हुआ है, स्ट्रॉन्ग देखने में है। सेम लोग निकाल के देखते हैं, यहाँ पे आपको ब्लूटूथ देखने को मिल जाता है, इसे रोटेट कर सकते हैं, तो इसे जैसे चाहे वैसे मैनेज कर सकते हैं। यहाँ पे एक वोल्ट दिया हुआ है नट वोल्ट को टाइट करके, और जिस डायरेक्शन में रखना चाहे उस डायरेक्शन में रख सकते हैं, जिस एंगल में रखना चाहे। यहाँ पे हमें LED लाइट भी देखने को मिल जाता है। जिस इसके पीछे देखते हैं हम लोग, तो यहाँ पे हमें एक बटन दिख जाता है सिंपल सा फंक्शन वाला, एक क्लिक करने पर ये लो लाइट, डबल क्लिक करने पर ये हाई लाइट देता है, तो काफ़ी बेहतरीन है ये। साथ ही में यहाँ पे आप देख सकते हैं फ़ोन को सेट करने के लिए ये दिया हुआ फंक्शंस, इजीली काफ़ी यहाँ पे प्लग करके फ़ोन को रोटेट कर सकते हैं 360 डिग्री में। एक्चुअली है कि आप LED लाइट को यहाँ से रिमूव भी कर सकते हैं, तो ये 360 रोटेट हो जाएगा आपको फ़ोन। साथ ही में यहाँ पे हमें देखने को मिल जाता है ब्लूटूथ, ये आप देख सकते हैं काफ़ी कम प्राइस रेंज में ये इतना सारा फंक्शन हमें देखने को मिल जाता है। अनबॉक्स करने का मेरा यही पर्पस था, और यहाँ पे इंडिकेटर जलने लगा, जस्ट होल्ड करके रखना कुछ सेकंड्स बटन को, ये जलने लगा हमारा फ़ोन पे, ये तुरंत कनेक्ट हो जाता है, एक प्रेस करने पे आपका वीडियो और फोटो ये शूट कर लेता है। स्टैंड दिया हुआ है, मतलब इस प्राइस रेंज में पहले सिंपल स्टिक केवल आता था, जस्ट आप उसमें फंक्शन से क्लिक कर रहता था, जो कि फ़ोन में केबल लगा करके आपको वहीं पे करना। यहाँ पे क्या स्टैंड करके आप कहीं भी रख करके और आराम से दूर से भी ब्लूटूथ फंक्शन का यूज़ कर सकते हैं, काफ़ी मजबूत है। और मिडिल में ये आयरन रॉड होने के कारण से ये और भी मजबूत हो जाता है, भारी से भारी आपका फ़ोन ये आराम से झेल सकता है। स्टैंड काफ़ी मतलब स्ट्रॉन्ग है, यहाँ पर आप इसे दूसरे पर्पस स्टडी के लिए भी कर सकते हैं, लैंप टाइप का भी ये काम आपका करेगा। बट फंक्शंस इसका क्या है कि ज़्यादा देर तक इसका लाइट नहीं जल के रहता। साथ ही में यहाँ पे आपको बी टाइप चार्जर का पिन चार्ज करने के लिए देखने को मिल जाता है, यहाँ पे आपको जस्ट प्लग करना है और आप इसे आसानी से चार्ज कर सकते हैं। थोड़ा सा ये सिनेमेटिक लुक देख सकते हैं, देखने में ये कितना प्रीमियम लगता है। तो मैं यहाँ पर होल्ड करके दिखा देता हूँ फ़ोन को, जस्ट इसे यहाँ पे इस तरीके से होल्ड करके रख देना अपने फ़ोन को, और वीडियो या फोटो जो भी शूट करना है आराम से कर सकते हैं। आप इसे स्टैंड भी कर सकते हैं इजीली, आपका स्टैंड कोई भी डायरेक्शन में, अगर आप पढ़ाते हो स्टडी पर्पज़ से लेना चाहते हो उसके पर्पज़ से भी ले सकते हैं,
अगर आप शूट करते हैं तो उसके पर्पज से भी ले सकते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये पूरा 360 रोटेट होता है, नीचे इसलिए नहीं हो पाता है क्योंकि ये आपका तब तक फ़ोन सड़ जाता है, लेकिन जैसे ही आप इसे थोड़ा सा लॉन्ग करोगे यह आसानी से आपका रोटेट होने लगता है। जस्ट प्रेस करके आप यहाँ से LED लाइट भी साथ में जला सकते हो और शूट कर सकते हो। तो काफ़ी बेहतरीन प्रोडक्ट है आपका। मैं यहाँ पे बहुत सारे लिंक यहाँ पे दे दूँगा, आप उससे जा कर के परचेज़ कर सकते हैं। काफ़ी चीप है, दोनों का प्राइस मुझे लगभग 500 समथिंग पड़ा था, मतलब 550 भी नहीं लगा था। काफ़ी चीप प्राइस में दो प्रोडक्ट आ गया है, जो कि केवल आप बोया माइक वगैरह लेते हैं तो उसी में 1000 प्लस चला जाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग पूरा देखने के लिए वीडियो को, और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, और वीडियो को अच्छा लगा तो अपने दोस्तों में शेयर ज़रूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।